वो मुझे खुश रखेगा, वो मुझे प्यार करेगा, वो मेरे लिए केयर कर ला कर देगा, वो मेरे लिए अच्छी चीज़ों की व्यवस्था करेगा, वो मुझे टाइम देगा, वो मुझे अटेंशन देगा और वो मेरे मन की बातों को समझेगा भी। बेवकूफाना बात है, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। आज तक आप अपनी सारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, खुद से लगाई हुई सारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, तो कोई और कैसे उतर सकता है बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। आप उम्मीद लगाए थे कल रात को कि कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, अगले 1-2 महीने में 6 पैक बना लूंगा, मसल्स बना लूंगा, हैंडसम हो जाऊंगा, खूबसूरत हो जाऊंगा, वॉट एवर। सब हुआ क्या? आपने आपसे उम्मीद लगाया था कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे दिन में पढ़ाई करूंगा और इतने अच्छे से डाइट फॉलो करूंगा और इतने दिनों में ये एग्जाम को क्रैक करूंगा और वो बन जाऊंगा। हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर आप कैसे उस इंसान से उम्मीद कर रहे हो कि वो ऐसा 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 करेगी या वो ऐसा 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 करेगा तब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, अगर वो ऐसा करता तो हमारे रिश्ते वैसे होते, अगर वो वैसा करता तो हमारे रिश्ते वैसे होते? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको अपने हिस्से का करना होगा, फिर आप यूनिवर्स के सामने रख सकते हो अपनी भावनाओं को। वो क्या, 1000 लोग आपसे खींचे चले आएंगे, 1000 लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, 1000 लोग आपसे प्रेम करेंगे। ये सीक्रेट जिस दिन मुझे पता चला, आज से कुछ 3-4 साल पहले, उस दिन के बाद से आज तक मेरे जीवन में सिर्फ अच्छे लोग हैं, सिर्फ खूबसूरत लोग हैं जिनके विचार खूबसूरत हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मेरे आसपास खुशियों का माहौल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि मैं अच्छा हूं इस रिश्ते में, मैं अच्छा हूं सब लोगों के साथ, मैं बिलीव करता हूं कि मैं प्रेम करता हूं, मैं अपने अंदर की करुणा और प्रेम को बाहर निकालता हूं, लोगों में बांटता हूं। मैं मतलब हर इंसान की बात चल रही है, जो भी ये चीज़ करेगा उसके आसपास प्रेम और करुणा आएगी, लोग उससे खींचे चले आएंगे। बहुत बड़ा सच है दोस्त, तो समझो इस बात को कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ लीजिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इस वीडियो को शेयर मत करते रहना दूसरों से, ये आपके लिए है। मैं हर वीडियो के लिए, हर यूट्यूबर ये बोलता है, हर इन्फ्लुएंसर ये बोलता है कि मेरे इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका फ़ायदा हो। नहीं, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आप देखो, 100 बार देखना है 100 बार देखो, लेकिन शेयर करने की जरूरत नहीं, किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं। उसके सामने मत थोपो कि फिर आप वही गलती करोगे कि इस वीडियो को तुम समझो ताकि तुम इस रिश्ते में अच्छे से रह सको। ये फिर आप अपनी मानसिक कमजोरी, अपनी थोथापंथी, अपनी बेवकूफी, अपनी नालायकपंथी को शो करोगे। गलत है। इस रिश्ते में अच्छे से रहने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी है, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी है। और इस मंत्र को अंदर बसा लो, तभी सब अच्छा होगा और जीवन खूबसूरती से भर जाएगा। आशा करता हूँ ये कड़वा अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेडिसिन है, गटक लो, बहुत काम आएगी। चलिए फिर, नमस्ते अजी।